तो हेलो एंड वेलकम यार, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं लावा की प्रोबर्ड N3 जो है नेकबैंड एयरबड, जो अमेजोन पे लॉन्च हुए थे रिसेंटली। प्राइस है 800 रुपीज़। 800 में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको, लिमिटेड बैटरी बैकअप मिलता है, लिमिटेड आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन मिलता है एंड कम फीचर मिलते हैं। बट थिंग ये है, ये बजट ओरिएंटेड नेकबैंड है। अगर आपका बजट अराउंड 800 रुपीज़ या बिलो 1000 रुपीज़ है, मे बी आप इनको कंसिडर कर सकते हैं एज योर नेक्स्ट नेकबैंड। तो चलिए गाइस, अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, पैकिंग देख लेते हैं कि किस टाइप के ये नेकबैंड है। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेस्ट टेक। चलिए प्रोडक्ट को अनपैक कर लेते हैं। तो गाइस, अमेजोन से जो परचेज किया है ये प्रोडक्ट, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको परचेज करने के लिए, डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबर्ड N3 लिखा हुआ है एंड ये है लावा की ओर से। तो बाय लावा लिखा हुआ है, लाइक जो नेम है मेनली ब्रांड्स का पहले आता है, बोट रोकर्स करके, बोल्ट करके। तो इसमें लावा ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट किस टाइप का है। एंड 800 रुपये में ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो हम उस प्राइस के अकॉर्डिंग मेन यहाँ पे फोकस हमारा रहता है। तो ये आज के हैं आपके नेकबैंड्स, इनको एक बार उठा के साइड में रखते हैं एंड अदर चीज़ें देख लेते हैं। तो ये आपको मिल जाता है एक टाइप ओके USB 2 माइक्रो USB का चार्जिंग केबल है। अगर आप चाहेंगे लिखाएं आपको, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये USB 2 माइक्रो USB केबल है एंड उसके अलावा आपको एक बुकलेट मिल जाता है ऑल इन वन करके। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपकी बुकलेट में अवेलेबल हैं। ओके, तो इसको हम साइड में रखते हैं एंड जो मेन फोकस है हमारा आज का प्रोडक्ट प्रोबर्ड्स N3 उस पर आ जाता है, उस पर शिफ्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी हम ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी लाइक इतनी अच्छी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग एंड थोड़ा टैंगल फ्री वायरिंग का यहाँ पे यूज़ है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको यूज़ करेंगे एंड देखेंगे तो आपको जो क्वालिटी है वो इतनी पसंद नहीं आएगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो बर्ड्स करके। एंड मैग्नेट चेक करते हैं, तो मैग्नेट आपको ठीक ठाक क्वालिटी का यहाँ पे मिल जाता है। तो मैग्नेट वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन टर्म्स ऑफ बटन्स, तो 3 बटन आपको मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन लाइक प्लस एंड माइनस, देन एक ये पावर बटन है, उसके बगल में आपको इंडिकेटर दिया हुआ है। तो आप ऑन एंड ऑफ करेंगे तो ये आपकी लाइट यहाँ पे इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो नेकबैंड है वो यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। ऑन होने के बाद हम उसको अपने फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे ब्लूटूथ सेक्शन में आके प्रोबर्ड्स N3 का नेम आ जाएगा एंड ये आपके स्मार्टफोन से पेयर हो गए। तो गाइस आपको 100% यहाँ पे बैटरी मिलती है। बट अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि आपको ओवरऑल 9 आवर्स का बैटरी बैकअप ही ये दे पाते हैं, तो जो कि काफ़ी कम है इन कंपेयर टू अदर ईयरबड्स एंड इन कंपेयर टू बोट के मेन जो ईयरबड्स हैं नेकबैंड है वो इस रेंज में भी आपको बेटर बैटरी लाइफ ऑफर करते हैं। IPX4 की रेटिंग आपको मिल जाएगी एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट। तो गाइज, इन टर्म्स ऑफ एयर फिटिंग कैसे हैं आपके लावा के प्रोबर्ड्स N3? तो इन टर्म्स ऑफ एयर फिटिंग गाइज, एयर फिटिंग में कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। डायनेमिक बेस यहाँ पे दिया गया है एंड वो भी काफ़ी परफेक्टली वर्क करता हुआ आपको नज़र आएगा। हमने इसको थोड़ा बहुत टेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ बेस, इन टर्म्स ऑफ इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी एज पर बजट जस्ट ओके है, कुछ भी इतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, साउंड क्वालिटी जो है वो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगी इस प्राइस रेंज पे एंड मैं डेफिनेटली वो यूज़र जो साउंड के लिए सिर्फ ईयरबड्स लेना चाहते हैं, नेकबैंड लेना चाहते हैं, डेफिनेटली जो है लावा के प्रोबर्ड्स N3 रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बेस भी काफ़ी अच्छा है एंड बेस के अलावा जो साउंड लेवल है
वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो ओल जो यहाँ पे साउंड का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो मैं आपके लिए साउंड यहाँ पे प्ले कर देता हूँ एंड थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि किस टाइप की साउंड आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। फर्स्ट आप चेक कीजिए कि कितने वॉइस यहाँ पे लीक हो रही है एंड अभी मैं इसको फुल वॉल्यूम में यूज़ करने वाला हूँ एंड आप बता सकते हैं कि क्या आपको कोई आवाज़ आ रही है, पीछे आ रही है, कितनी आ रही है, एल्स देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे साउंड आपने टेस्ट की, आपने सुनी कितनी अच्छी साउंड यहाँ पे आ रही है। मे बी आप प्रॉपरली उसको नहीं सुन पाए या आपको अगर नहीं आ रही तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे रेट कर देता हूँ इन ईयरबड्स को एज पर इट्स साउंड क्वालिटी। तो मैं आप बताना चाहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेवल 9.5, इन टर्म्स ऑफ बेस बेस स्टार्टिंग में थोड़ा काफ़ी स्पाइक ज़्यादा लगा मुझे एंड साउंड का भी कुछ ऐसा लगा, बट लेटर ऑन वो थोड़ा एडजस्ट हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ बेस एंड साउंड क्वालिटी 8.5 यहाँ पे मैं इनको दे रहा हूँ। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के लिए आप इसको 8.8 मार्क्स दे सकते हैं एंड अपने कंपेटिटर को काफ़ी अच्छी तरह से ये बीट कर देता है इन टर्म्स ऑफ साउंड। बट बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे स्लाइटली बेटर हो सकती थी। लावा ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। सेम जो इस बजट पे बोट या दूसरी कंपनीज आपको ऑफर करती हैं, नेक बैंड, इवन रोम के जो रिसेंट नेक बैंड आए थे उस टाइप की यहाँ पे आपको देखने को। तो गाइज ओनली फॉर साउंड क्वालिटी मैं ये इनको ऑफर कर रहा हूँ। बैटरी लाइफ कुछ भी बेटर हो सकती थी एंड फॉर यू आप चूज कीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ या ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी जस्ट ओके, बैटरी लाइफ जस्ट बिलो एवरेज एंड साउंड क्वालिटी अबो एवरेज। तो ये था मेरी ओर से इस रिव्यू के लिए गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइस।